तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशुतोष और ये आपके सामने है अभी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का सेटअप। तो बेसिकली डेविसन जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट चालू किए थे वो डी ब्रॉगली इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर वेव नेचर को पार्टिकल नेचर से मिलाने के लिए नहीं किए थे। एक्चुअली उनके एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन किसी हीटर से निकल कर किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हुए वो निकल क्रिस्टल पर कुछ बम्बार्डिंग करते थे इलेक्ट्रॉन्स की, और निकल क्रिस्टल से जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ होके एक डिटेक्टर में जाते थे उससे वो उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप उनने किया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इन 1925 एक उनके ये जो सारा एक्सपेरिमेंट होता था ये एयर को बाहर रखने के लिए, ताकि उनको उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कोई भी दिक्कतें ना हो, इसलिए ये सारा जो भी एक्सपेरिमेंट होता था वो एक वैक्यूम सेटअप में होता था। लेकिन 1925 में उनके वैक्यूम चैम्बर में एक होल हो गया जिसके कारण वहाँ पे एयर आ गई, और उसके बाद क्या हुआ कि उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो निकल क्रिस्टल है उसकी अलाइनमेंट, जो कि वो पहले पॉलीक्रिस्टल के फॉर्म में था, तो पॉलीक्रिस्टल्स में क्या आप देख सकते हैं कि एक मतलब कि क्रिस्टलाइन तो होते थे लेकिन वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स छोटे छोटे फॉर्म में होते थे, मतलब इनको क्या कहते हैं, पॉलीक्रिस्टल। तो उनके पास पहले ऑक्सीडेशन के पहले उनके पास जो निकल क्रिस्टल था वो इस फॉर्म में था। फिर अगर उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जब दिक्कतें आईं तो उन्होंने निकल को वापस से ऑक्सीडाइज़ किया, तो जब वापस से डीऑक्सीडाइज़ किया, ठीक है, तो उस डीऑक्सीडेशन जो प्रोसेस थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए जिसके कारण निकल क्रिस्टल का जो अलाइनमेंट हो गया वो अब एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में हो गया। जब निकल क्रिस्टल पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह हो गया तो उसके कारण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ही काम का है और अपने फिजिक्स के हिस्ट्री में भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट है, वो हमें देखने को मिला, जो कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से हम पार्टिकल नेचर ऑफ वेव एंड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही कुछ नए फैक्ट्स जानने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। गुड बाय।